G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इटली के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला विदेश दौरा है। जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी इटली में 15 जून तक आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वो कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो सकती है। इस बार G7 में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन विवाद वैश्विक चुनौतियां अहम माना जा रहा है। इटली में हो रही इस बैठक के लिए कई देशों के नेता पहुंच चुके हैं। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सबका स्वागत किया। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में हुए 4 आतंकी हमलों के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी है। सेना, CRPF और पुलिस के जवान संवेदनशील इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हीरानगर में 2 संदिग्ध देखे गए हैं, जिसकी तलाश जारी है। सेना और पुलिस के आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आज भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकियों की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, साथ ही चेक पोस्ट लगाकर आने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बीच पीएम मोदी ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से भी बात की। प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे एंटी टेरर ऑपरेशन की भी जानकारी दी गई। बीते 4 दिन में हुए आतंकी हमले में 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई और 1 जवान शहीद हो गया और 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। रियासी में हुए आतंकी हमले को लेकर 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ चल रही है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए फिर से परीक्षा कराने का आदेश दिया है। NTA ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 स्टूडेंट्स की परीक्षा फिर से कराने की जानकारी दी है, जिसके लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इस जानकारी के मुताबिक 23 जून को परीक्षा और 30 जून को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि जो 1563 छात्र परीक्षा नहीं देंगे, उनका ग्रेस मार्क्स काट दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज किया और कहा कि इस पर कोई सबूत नहीं है। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने NTA पर भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताया। इससे पहले छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया था। जम्मू कश्मीर को लेकर चीन और पाकिस्तान की अनर्गल बयानबाजी पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए करारा जवाब दिया है और कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। भारत ने चीन और पाकिस्तान को एक साथ सीधा, स्पष्ट और 2 टूक संदेश दिया और कहा कि इस मामले में दूसरे देश को टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने CPEC के नाम पर चलाई जा रही परियोजनाओं को भी खारिज कर दिया। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक संयुक्त बयान जारी किया था। इसमें कश्मीर का भी जिक्र किया गया था, जिस पर भारत ने आपत्ति जताते हुए उनके बयान को खारिज कर दिया। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण को हटाने का काम जारी है। कुकरैल नदी पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन पर सियासत भी जारी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने अकबर नगर का मुद्दा उठाया और बयान जारी किया। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बुलडोजर कार्रवाई को गलत बता रही है। नरेंद्र मोदी जी का जो रवैया है या उनकी सरकार का जो रवैया है वो दुखद है। दरअसल कुकरैल नदी से अतिक्रमण हटाकर वहां कुकरैल रिवर फ्रंट बनाया जाना है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनके लिए सरकार ने मकान की व्यवस्था की है। साल 2022 में लाई गई अग्निपथ स्कीम में बदलाव की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द अग्निपथ स्कीम की हर कमी को दूर करने के लिए रास्ते तलाशने लगी है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 सरकार ने एक समूह को अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए और सशस्त्र बलों की भर्ती योजना को और ज्यादा आकर्षक कैसे बनाए, इसके तरीके सुझाने का काम दिया है। ये समूह 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों का है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद 17 या 18 जून को प्रधानमंत्री के सामने इसका प्रेजेंटेशन होगा। इसमें 60-70% अग्निवीरों को रिटेन करने की सिफारिश हो सकती है। Z News.